नमस्कार, मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो सबसे पहले नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ भरे, रंग भरे, तो जो परेशान थे उनको नई खुशियाँ मिले। तो चलिए इसी के साथ लिब्रा देख लेते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स उसके लिए क्या एनर्जी बताते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ वैलिड नहीं होती, किसी के साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए देखते हैं लिब्रा यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और गाइडेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पास्ट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है, जो आपने काफ़ी कष्ट सहे हैं, काफ़ी दुख परेशानियां सही हैं, और हो सकता है कि आप फ़ौरन में जाने की सोच रहे थे तो उनके लिए आप परेशानी उठा रहे थे, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह नहीं लग रहा था, या किसी से आप बात नहीं कर रहे थे, या दूरियाँ बनी हुई थी, तो उन सब चीज़ों को हो सकता है कि आपने पास्ट में काफ़ी झेला हो, और जो नियरेस्ट पास्ट है उसमें आपको वो खुशखबरी मिली हो, अपॉर्चुनिटी मिली हो। तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या तो मिल चुकी है पास्ट में, या तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, ऐसे आसार इसमें दिखाई दे रहे हैं कि जो जो आपने सहा था वो सब अभी आपका दुख, जो परेशानी थी वो दूर होती नज़र आ रही है। और अगर आप फ़ौरन में जाना चाह रहे थे तो फ़ौरन में भी आप जा सकते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये करंट एनर्जी है जो 72 आवर्स के लिए है। तो आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अगर आप एक बच्चे की एनर्जी में रहकर कोई भी काम करते हैं तो आप काफ़ी मतलब इसमें स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, नई बिगनिंग होती नज़र आ रही है, एक शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो एक बच्चे की एनर्जी में रहकर प्यार से, प्रीत से, और सबके साथ अगर अच्छे से हैंडल करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो और बचपना छोड़कर लेकिन हंसी खुशी बच्चे की एनर्जी से, मतलब खुशी खुशी से अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपका जो करंट एनर्जी है आपके फेवर में है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आपको कोई ना कोई खुशखबरी इसके प्रति मिल सकती है। तो आपके घर में हो सकता है कि कोई ना कोई नया बच्चा आने के बीच में आसार दिखाई दे रहे हैं, कि अगर काफ़ी दिनों से आप शादीशुदा थे और बच्चा नहीं आ रहा था तो हो सकता है कि आप कंसीव कर सकते हैं, या कोई ना कोई रास्ता भी इसमें मिलता दिखाई दे रहा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो आप काम के प्रति काफ़ी जोश में हैं, एक्शन में हैं, आप अपना काम कीजिए, जोश के साथ कीजिए, लेकिन होश में रह कर कीजिए, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए कि मतलब आपको खुद भी नुकसान उठाना पड़े और सामने वाले को भी नुकसान उठाना पड़े। अगर आप इतनी जल्दबाजी करते हैं तो आप काफ़ी इसमें नुकसान उठा सकते हैं, और समय रहते अगर जोश में होश रखकर अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आपने जल्दबाजी की तो आप इसमें फ़ायदे की जगह नुकसान उठा सकते हैं, तो जोश में होश रखकर समय रहते अपनी जो आई हुई अपॉर्चुनिटी है अगर उसको आप हैंडल करते हैं, उसको एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं और धीरज के साथ करते हैं, प्यार प्रीत के साथ करते हैं, तो आप इसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, आप स्टेबल हो सकते हैं,
आप अगर कहीं किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए या पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, जहाँ भी जो भी आप काम करना चाहते हैं तो वो आपका हो सकता है। लेकिन आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा होश में रहकर, मतलब इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको नुकसान उठाना पड़े। आप समय रहते आप काम ज़रूर कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, लेकिन जल्दबाजी के साथ नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लेकर ही आपको काम करना है। द हैंग्ड मैन, तो गाइडेंस यूनिवर्स जी बता रहे हैं कि आप सब कुछ दूसरे के नज़रिए से करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नज़रिया बदलिए, अपने नज़रिए से भी लोगों को देखिए, जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलिए, सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा क्लियर कट दिखाई देगा। और अगर आप अभी फ़िलहाल के लिए आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी जाते दिखाई दे रहे हैं कि आपको आपने एकांत में कर रखा है, चुप्पी साध रखी है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए आपको अपने नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। दूसरों के नज़रिए से देखने से काम नहीं चल सकता। तो थोड़ा सा आप ने जो आप अपने आप को बांधा हुआ है, उल्टा लटकाया हुआ है, तो अपने आप को अपने नज़रिए से भी दूसरों को देखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, आप कामयाब होंगे। और आपको थोड़ा सा इसमें गाइडेंस दी जाती है कि आपको बॉडी चेकअप की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको जिस बीमारी का ना पता हो, कोई मेंटली इश्यूज़ भी हो सकते हैं और कुछ परेशानी दिक्कत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि होगी, लेकिन किसी किसी को हो सकती है, तो थोड़ा सा इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करना तो बनता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद उस पर बनाए रखिए। जब तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।